साथियों, एनसीसी देश की युवा शक्ति में डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और देश के प्रति डिवोशन की भावना को मजबूत करने का एक सशक्त मंच है। ये भावनाएं देश के डेवलपमेंट के साथ सीधी सीधी जुड़ी है। जिस देश के युवा में अनुशासन हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, निष्ठा हो, लगन हो, उस देश का तेज गति से विकास कोई नहीं रोक सकता। साथियों, आज विश्व में हमारे देश की पहचान युवा देश के रूप में है। देश के 65% से ज्यादा लोग 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। देश युवा है, इसका हमें गर्व है। लेकिन देश की सोच युवा हो, ये हमारा दायित्व होना चाहिए। और युवा सोच का मतलब क्या होता है? जो थके हारे लोग होते हैं, वे न सोचने का सामर्थ्य रखते हैं और न ही देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। वो किस तरह की बातें करते हैं, आपने भी जरूर ध्यान दिया होगा। उनके मुंह से क्या निकलता है? चलो भाई, जैसा है एडजस्ट कर लो, चलो अभी किस तरह समय निकाल लो, चलो चलो यार आगे देखा जाएगा, अरे इतनी जल्दी क्या है, टाल दो ना, कल देखेंगे। साथियों, जो लोग इस प्रवृत्ति के होते हैं, उनके लिए कल कभी नहीं आता। आपको ज्यादातर जगह ऐसी सोच वाले लोग जरूर मिलेंगे। इस स्थिति को मेरे आज का युवा भारत, मेरे भारत का युवा इस स्थिति को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। वो छटपटा रहा है कि स्वतंत्रता के इतने साल हो गए, चीजें कब तक ऐसे ही चलती रहेगी, कब तक हम पुरानी कमजोरियों को पकड़ करके बैठे रहेंगे। वो इन समस्याओं का शिकार होने के लिए तैयार नहीं है। वो देश बदलना चाहता है, स्थितियां बदलना चाहता है, और इसलिए उसने तय किया है कि बस अब टाला नहीं जाएगा, अब टकराया जाएगा, निपटा जाएगा। यही है युवा सोच, यही है युवा मन, यही है युवा भारत। अतीत की चुनौतियां वर्तमान की जरूरतों और भविष्य की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमें एक साथ काम करना होगा।